भाई अभी हमारे पास है i20 का एलाइट वाला मॉडल, जिसने हमने लगाई है इसकी पार्सल ट्रे या डिक्की ट्रे, आप इसको जो भी कहें। चलिए आपको दिखाते हैं कि आप इसको खुद से कैसे लगा सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन आपको दोनों ऑप्शन में मिल सकती है, परचेज लिंक जो भी पॉसिबल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखिए ये है इसकी पार्सल ट्रे, दो इसमें नीचे फट्टियां लगी होती हैं ताकि बीच में से बेंड ना हो, और ऊपर से चढ़ा होता है इसमें कारपेट। नॉर्मली i20 के अंदर जो है वो ब्लैक कलर ही चलता है। आप देखिए कुछ इस तरह की फिनिश इसमें होती है, तो आपको एक बार दिखाते हैं कि आप इसको खुद से कैसे लगा सकते हो। बहुत सिंपल होता है, बहुत आसानी से सीट को आपको आगे की तरफ करना है इसको निकालने के लिए, क्योंकि हम पहले ही लगा चुके हैं, तो इसको एक बार बाहर निकाल लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसको हमने फिट कैसे किया है। देखिए ये है इसकी पार्सल ट्रे, और यहाँ पे क्या है, देखिए बेस पहले से बना हुआ है इसके अंदर, तो कुछ भी ऐसा नहीं है, स्क्रू वगैरह कुछ नहीं लगाना है क्योंकि बेस दोनों तरफ बना हुआ है। तो खाली जो पार्सल ट्रे है वो प्रॉपर i20 एलाइट की आएगी, जिसको आपको इस पर रख देना है। ये है पार्सल ट्रे, देखिए नीचे ये MDF बोर्ड होता है कुछ ऐसा, और साइडों में ये लगी होती हैं दो फट्टियां ताकि ये बेंड ना हो, और ऊपर चढ़ा होता है पूरा का पूरा इसके ऊपर कारपेट। और आप चाहें तो इसमें स्पीकर के लिए भी जगह रख सकते हैं, वरना इसको एकदम फिक्स ऐसे जैसे हमने पैक रखा है ये एज पर कस्टमर चॉइस, इसको इस तरीके से भी रखा जा सकता है। अब देखिए ये हमने इसमें पहना दिया है और ये अंदर की साइड इसमें पूरा फंस गया है, उधर से सीट बंद हो जाएगी और इधर से क्या है डिक्की बंद हो जाती है, कट टू कट होती है। हर मॉडल हर साइज हर गाड़ी के लिए, मतलब जो साइज होगा वो बिल्कुल अलग होगा, कोई भी किसी में नहीं लगती है। तो अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करते हैं तो अपने मॉडल को एक बार कंफर्म करके जरूर लें। ये i20 एलाइट के लिए है, तो ये इसमें देखिए फंस गई है अच्छे से, कोई स्क्रू नहीं लगा, कोई कुछ नहीं लगा, और ये इसके अंदर है कुछ अच्छा खासा स्पेस। नीचे CNG लगी हुई है, तो आप देखिए CNG से इसमें कितना स्पेस है। कई बेनिफिट हैं, एक तो पूरा आपका CNG कवर हो जाता है, और ऊपर से क्या है आप इस पे सामान वगैरह भी रख सकते हैं नीचे, वरना ऐसी CNG सिलेंडर दिख रहा है या कोई आप डायरेक्ट उसके ऊपर सामान रख रहे हैं थोड़ा अजीब सा लगता है। अब एक प्रॉपर आपको एक सेल्फ मिल जाती है जिस पे आप चाहे तो कुछ सामान वगैरह भी रख सकते हैं। उधर से सीट बंद हो जाएगी, सामान अगर आप मान लो ऐसी ट्रे पे कोई रखते हैं ना, वैसे काफ़ी मजबूत होती है, लेकिन सारा जो वजन है वो सेंटर में ना करें बल्कि दोनों तरफ फैला के इसके वजन को करें, उससे क्या होता है इतनी आसानी से इसके ऊपर बीच में प्रेशर नहीं पड़ता। तो कुछ इस तरीके से ये लगने के बाद हो गई है, पूरा इसके अंदर ये फंस गई है बहुत अच्छे से, आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर है। उधर से सीट बंद हो गई है और इस तरफ से अभी डिक्की बंद कर देते हैं, एक बार अंदर की साइड से आपको दिखाएंगे। यहाँ पे अगर आप चाहें तो सेंटर में दोनों साइड में ना, सेंटर से यहाँ पे और यहाँ पे होती है इसमें स्पीकर के लिए जगह, वो अगर आप कहेंगे तो उसकी कटिंग हो जाती है कि आपको मान लो इसमें 6 इंच का या ओवल शेप का अगर स्पीकर लगाना हो तो चलिए एक बार इसको इधर से बंद कर लेते हैं और अंदर की साइड से देखते हैं कि अंदर से इसकी फिटिंग जो है वो कैसी है। देखिए फिटिंग इसमें ऑलरेडी हो चुकी है, एकदम कट टू कट है, आप चारों तरफ देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसमें ये फिट हो गई है। वैसे भी और किसी मॉडल में ये लगेगी नहीं क्योंकि ये प्रॉपर इसी मॉडल के लिए है। तो आपको ऐसी ट्रे वैसे किसी भी गाड़ी के लिए मिल सकती है, लेकिन हर गाड़ी की जो फिटिंग और शेप है वो बिल्कुल अलग होगी, किसी में स्क्रू लगते हैं किसी में नहीं लगते हैं, तो आपको जिस भी गाड़ी के लिए चाहिए हो आप उसके लिए कंफर्म करके ले सकते हैं। फिलहाल ये है i20 एलाइट के लिए, परचेज लिंक जो है इसका वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताना। इसके अंदर ब्लैक और बेज वैसे दो कलर ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, लेकिन i20 एलाइट के अंदर नॉर्मली ब्लैक ही चलता है, आप चाहें तो ऑन ऑर्डर इसके अंदर कलर चेंज भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।